दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, नाम सुना है ना, महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, प्यारे बापू। हाँ, अब तो जान ही गए होंगे आज किसकी बातें होने वाली है। और आज है 2 अक्टूबर और हम मना रहे हैं गांधी जयंती। जी हाँ दोस्तों, गांधी बापू का जन्मदिन जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस से भी जाना जाता है। गांधी जी जो दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई नॉन वायलेंस के प्लेटफॉर्म से लड़ी, इसलिए गाते हैं ना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना दाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रतिभाशाली था। उनकी ऑनेस्टी की क्वालिटी तो दुनिया भर में मशहूर है। वो खुद श्रीमद् राजचंद्र को आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो चलिए गांधी जी की और क्वालिटीज को पहचानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में पूज्य निरुमा से। प्रणाम निरुमा। निरुमा, स्वतंत्र दिवस है और गांधी जी के बारे में ऐसे पढ़ा था कि गांधी जी कहते थे कि वो अंग्रेजों के विरोधी या उनके प्रति शत्रुता के भाव नहीं थे, पर उनका विरोध था साम्राज्यवाद से। तो ऐसा समझ में आना थोड़ा कठिन लगता है कि वो इंडिपेंडेंस की या स्वतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों के प्रति उनको कोई द्वेष भाव या आक्रोश नहीं हो, और फिर भी उस भाव से मैत्री जैसे भाव से भी वो स्वतंत्रता की लड़ाई रखे। या दूसरा उदाहरण आता है जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करते हैं और उनके हाथ और पैर में मेक मार दिए जाते हैं और जीसस ऐसे कहते हैं कि प्रभु इनको माफ कर देना, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में सामने वाले जो विरोधी पक्ष के प्रति शत्रुता के भाव नहीं हो और मैत्री और प्रेम के भाव फिर भी टिके रहे, ऐसे क्या यथार्थ में या हकीकत में रोज के जीवन में संभव है, ऐसा एक प्रश्नवाचक उठता है। ये तो अध्यात्म की बहुत ऊंची सीढ़ी पर पहुंचे हुए थे, उनको यह हासिल होती है। सामान्य लोग इस चीज को नहीं पा सकते। हाँ, इनके इतने अच्छे सद्गुण को हम नोटिस करें और इसी गुणों को सराहना करें, इतना ही नहीं भावना करें कि हम भी इस रास्ते पे चले। तो इतनी बड़ी लंबी दुश्मनी के सामने प्रेम और क्षमा, यह भावना आते 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 तो समय लगेगा, लेकिन हमारे घरेलू जीवन में डे टू डे लाइफ में भी कितने सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, छोटे मोटे कितने सारे प्रसंग आते हैं जहां हम यह भावना रखकर आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कितनी बार होता है इवन बिजनेस में, आप लोगों को तो मर्द लोगों का तो ये अनुभव होगा, बिजनेस में या जॉब करते हैं वहां पर कंपटीशन कितनी सारी होती है। साधारण बिजनेस में कितनी कंपटीशन होती है तो भी कुछ ना लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिजूली हम कॉम्पिटिटर के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं, उसके लिए कितने बैर भाव रखते हैं, उसका कितना बुरा सोचते हैं, उसका कुछ खराब हो जाए ताकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर न रहे, ऐसा तो कितनी बार सोचते। तो यही इतने हमारे जीवन में भी जो ऐसे प्रसंग आते हैं तो उस समय हम जागृत रहें और ऐसे बुरे विचार किसी के लिए ना करें। हाँ, हर किसी को जो भी कुछ मिलता है अपने अपने ही कर्म के फल का स्वरूप मिलता है। आप अपने बिजनेस में जो पाते हैं या आपका कॉम्पिटिटर जो भी कुछ पाता है अपना अपना हिसाब लेके आता है, हिसाब से सब किसी को हर किसी को मिलता है।
फिर उसमें स्पर्धा, ईर्ष्या और यह बैर की भावना, दुश्मनी मोल लेना है, इन सारी चीजों का कहाँ स्थान है। अगर सादी सीधी समझ रखे तो मेरे पुण्य का मुझे मिलेगा, उसके पुण्य का उसे मिलेगा, मेरे हिसाब में पाप का उदय तो मुझे नहीं मिलेगा, जो मिलता है हमको हमारा ही मिलता है, उसमें वो और कौन क्या कर सकता है। लेकिन हम उसको दोषित के, उसकी वजह से मेरा बिजनेस गिर गया, मेरा तो अच्छा चलता था, अरे उसका हिसाब आया तो आ गया, समझ में आया ना जी। बहन लोगों को भी, लेडीज के जीवन में भी तो कितना होता है, शादी करके आती है वहां से शुरू कर, तो सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननंद के साथ कितनी स्पर्धात्मक भावना रहती है, मुझे ज्यादा आता है, मैं ज्यादा होशियार हूँ, सास को लगता है मैं होशियार हूँ, बहू को लगता है मैं होशियार हूँ, मैं कहूँ ऐसा घर में होना चाहिए, दोनों को अपना यही चलन चलाना है, तो इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के प्रति कितना बैर बांधते हैं, एक दूसरे को कितना टॉर्चरिंग करते हैं, ताने देते हैं, क्या जरूरत है, प्रेम से रहो ना, जो भी कुछ है अपने हिसाब का है, इतना ही लेके चलो, शांति से अब खुद रहो औरों को रहने दो, कोई हमें कितना भी, हमारे लिए कितना भी बुरा सोचे तो भी हमें क्या लेना देना है, उसे जो सोचना है सोचने दो, हम तो जो है सो है, हम उसमें क्या फर्क होने वाला है, वो कोई हमारे लिए लाख बुरा सोचे लाख बुरा करे तो भी, हमारे कर्म को तो कोई फर्क कर नहीं पा सकेगा, ये हमारी ही वीकनेस है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, फेस नहीं कर पाते और हम खुद उसके लिए बुरा सोचते हैं, उसके जैसे ही हो जाते हैं, अपना स्थान ऊंचा रखने के बजाय हम गिर जाते हैं, वो जितना बुरा हमारे लिए सोचता है उससे दुगना हम उसके लिए बुरा सोचने लग जाते हैं, तो हम कितनी हाई स्टेज से नीचे डाउन चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। बड़ी मुसीबत से हम सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर आ गए हैं, तब नीचे खिसक जाना तो बहुत आसान है, चढ़ना बहुत कठिन है। जो जीसस क्राइस्ट या गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उनके इतनी हाई स्टेज तक हम न पहुंच सके तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे जीवन की छोटी मोटी स्टेजेस आती है वहां तो हम कुछ आगे बढ़े, उसमें कुछ प्रगति करें उनका देख के। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बातें कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। दोस्तों, गांधी जी ने आजादी की लड़ाई तो अहिंसा और सत्याग्रह से लड़ी, लेकिन समाज कैसे सुधारे और आदर्श कैसे बने, उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, तो चलिए जानते हैं आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो जो आपने अभी बताया कि जो जीसस क्राइस्ट या महात्मा गांधी के वक्त में उनके जो मन की दशा थी, सैद्धांतिक तौर पे वो और घर में और व्यापार में बात तो वो की वो लगती है, बस सिद्धांत तो वही है, फिर यही सिद्धांत पे आप जैसे जैसे चलने लगोगे, एक बार, दो बार, दस बार, 50 बार, 100 बार आप इस तरह से इस सिद्धांत पे चले और आप जीत गए, 50-100 बार आप इस तरह से सिद्धांत से चले और जीत गए, फिर आपको ये सहज हो जाएगा, फिर बहुत आसान लगेगा, और उसमें जो अंदर आनंद लगेगा, आनंद अनुभव में आएगा, जो सिद्धांत पे चलने का अंदर, जो सिद्धांत पे चले उसकी हमको भीतर में खुमारी लगेगी, सेटिस्फेक्शन लगेगा, वो जब अनुभव में आएगा, वो चखेंगे तब लगेगा कि यही रास्ते पे जाने जैसा, वहां तो गंदे रास्ते पे जाने से तो दुखी दुखी दुखी, हम ही दुखी और हमारे वजह से और लोग भी दुखी, और ये तो कितना आनंद है, कितनी शांति। इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए निरुमान जीवन में? बस तो देखो, हम घर पे यही, जब भी कभी ऐसा अपोज वाले के लिए हम किसी के लिए बुरा विचार करें, गलत सोचें, तो वहां ही तुरंत से ब्रेक मारो, हमें इस तरह से हमें नहीं जीना है, हमें गिरना नहीं है, हमें तो ऊपर चढ़ना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बातें कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, उनके जन्म दिन के सेलिब्रेशन पर। दोस्तों, गांधी जी के जीवन के कई प्रसंग हमें उनकी नोबल क्वालिटीज के पहचान दिलाते हैं, उनकी सत्य, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्य और फेथ
दुनिया भर में फेमस है। और दोस्तों, उनकी तीन बंदरों वाली बात तो हर किसी के जीवन को प्रेरणा दे के जाती है। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, यानी पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं उनकी ऐसे ही और एक स्टोरी हमारी प्यारी आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। गांधी जी के बारे में एक बहुत सुंदर बात है कि एक बार उनके पास एक बहन आ गई अपने बेटे को लेकर। बेटा को 8-9 साल का था, तो कहने लगी कि देखो देखो ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है कि न पूछो बात, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। बहुत कहती हूँ मैं, समझाती हूँ, मारती हूँ, डांटती हूँ, तो भी वो मानता ही नहीं है। तो आप अब उसको समझाइए कि ये इतना सारा गुड़ खाना बंद कर दे, गुड़ बहुत खाना अच्छा नहीं है। तो गांधी जी ने उसको कहा कि ऐसा कर बहन, तू 7 दिन के बाद अपने बेटे को लेकर आ, मैं उसको समझाऊंगा। फिर 7 दिन के बाद वो बहन अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास आई। महात्मा गांधी ने बेटे को बहुत प्रेम से समझाया 2 ही मिनट में कि बेटा ये गुड़ खाना अच्छा नहीं है, इतना नहीं खाना, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से पॉइजन होती है। तो वह बेटा तुरंत समझ गया और कहना कि आपसे मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ बहुत ताज्जुब हो गई, उसने कहा गांधी जी से, मैं सारी जिंदगी उसको कह कह कर थक गई, लेकिन वो कभी मानता ही नहीं था, आपके पास 2 मिनट में मान लिया। अब ये 2 मिनट की ही बात थी, तो आपने 7 दिन क्यों उसको पोस्टपोन किया, उसी दिन 2 मिनट में क्यों नहीं उसको बता दिया। तो दादाजी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो जो चीज मैं करता हूं वह चीज उसको करने के लिए ना कैसे कह सकता हूं। मुझे गुड़ खाने की बहुत आदत थी, मैं भी खाने में गुड़ रोज खाता था। काठियावाड़ी रहे ना, काठियावाड़ के लोग बहुत खाते हैं। तो पहले मैंने 7 दिन तक प्रैक्टिस की गुड़ खाने का बंद करने की। गुड़ खाना बंद हो गया मेरा, फिर मैंने आपके बेटे को उपदेश दिया, जो गलती मेरे में है वह गलती मत करो, ऐसा मैं किसी और को किस तरह से कह सकूंगा। यही सिद्धांत हर किसी के लिए है, खास तौर पर जो उपदेशक है, लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर है, देश के नेता ये लोग हैं, उनके लिए यह चीज लागू पड़ती है। हर के लिए यह है कि जो चीज हमारा सिर्फ भाषण नारे ठोकने से कुछ नहीं होता है, कोई सुधरता नहीं है, नारे ठोकने से या लेक्चरबाजी से कुछ नहीं होता है। जितना हमारे जीवन में है उतना ही हम बोलेंगे और उतना ही सामने वाले को असर करेगी, तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों, आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब जैसे ही था। उनके जीवन का हर एक प्रसंग हमें आदर्श जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये सिखाता है। तो चलिए उनकी जिंदगी की सीख अपनाते हुए अहिंसा और सिंप्लिसिटी की राह पर चले। ऐसे ही जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सुनना न भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह।